आज जिरम की 11वीं बरसी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक जिरम की सच सामने नहीं आ पाया। पीड़ित परिवार, छत्तीसगढ़ की जनता और कांग्रेस परिवार, वो भी चाहती है कि इसकी सच सामने आना चाहिए। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस सरकार ने जिरम हमले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार एनआईए से जिरम की फाइल एसआईटी को नहीं देने दिया। जैसे ही जिरम घाटी कांड की जांच की बात आती है, पता नहीं क्यों भाजपा के बड़े बड़े नेता घबराने लगते। यही नहीं, किसी न किसी प्रकार से वे इसकी जांच को बाधित करने में जुट जाते हैं। कभी बयानबाजी करते हैं, कभी कोर्ट की शरण में जाते हैं, पीआईएल दायर करते हैं। किसी भी प्रकार से भाजपा जिरम घाटी की जांच को होने नहीं देना चाहती। भाजपा जांच को बाधित करना चाहती है। जिरम न्यायिक आयोग की जांच पर रोक पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक इस्टे लेकर आए थे। भाजपा डरती है जिरम का जज सामने आ जाएगा तो वह बेनकाब हो जाएगी। भाजपा के नेता इस बात पर से डरते हैं कि जिरम घाटी कांड की जांच से ऐसा कोई सच निकल कर आ जाएगा जिससे तत्कालीन भाजपा सरकार किसी कुत्सित चेहरे पर चेहरे से नकाब उठ जाएगा। भाजपा इस बात से डरते हैं कि उनके आका तत्कालीन मुख्यमंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा, कि सरकार की नाकामी उनके द्वारा कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा मुहैया नहीं कर पाया था जिससे इतनी बड़ी घटना उठी। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 को एनआईए की अपील खारिज करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की एसआईटी जिरम मामले की जांच कर सकती है।